तारिक फतेह और जावेद अख्तर के मुजाकरे का पूरे भारत को इंतज़ार था। हमने भी वो मुजाकरा देखा भारतीय टीवी पर, और उसमें जावेद अख्तर ने तारिक फतेह जी को जैसे बोलने नहीं दिया, वो अपनी ही बात करते रहे, मगर उनकी बात में भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने अब ट्विटर पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं, उन सवालात की तरफ भी हम आएंगे। और आज की मेरी गुफ्तगू तारिक फतेह जी के साथ इसलिए है कि जो बातें उन्होंने नहीं करने दी वो मैं उनसे जानना चाहता हूं। वेलकम तारिक फतेह जी। जो जावेद अख्तर जी ने बातें की बड़ी उन्होंने सीरियस अंदाज में की, मगर उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं थी। कोई बात मुझे तो कम अज़ कम ऐसी नहीं दिखी या सुनाई दी जिसमें मैं ये समझ सकूँ कि इन वो कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहे हैं, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। और जो इंडियन आइडेंटिटी का मामला है उस पर बात नहीं हो रही, वही हमें मौक़ मिल रहा है कि जैसे वो पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान की शायरी के हीरो हैं। तो आप उनको कुछ समझा सकेंगे कभी किसी और मुजाकरे में? मैं इनके साथ वैसे भी बैठ के बातचीत हुई है। देखिए, इसमें मैं ख़ास तौर पे जो हमारे जिनको हम महाजिर कहते हैं पाकिस्तान में, जो यूपी और बिहार के उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं, वो बड़े सिंसियरली अपने आप को हाकिम समझते हैं। उनको एक घमंड है कि उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आप कराची में भी देख लीजिए, आप सिंध के अंदर देखें, मीरपुर खास में देखें, जहाँ पे ये एलिमेंट आता है ना कि हम उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू की जो कल्चरल इम्पीरियलिज्म है पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश में, जो इसका रोल रहा है वो इस कदर डैमेजिंग रहा है कि उर्दू बोलने वाले जो हमारे दोस्त हैं वहाँ, वो समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि ये तो गहवारा था, हमने पाकिस्तान को तोहफे में दिया, और ये नामाकूल लोग पठान पश्तो पंजाबी जैसे जानवरों वाली जबानें बोलते थे, हमने इनको उर्दू इनायत कर दी। उसमें हमारे पंजाबियों का भी कसूर है, वो बड़े फख्र महसूस करते हैं, कह ले जी हमारी मादरी जबान उर्दू है, तो आप किसको रोएंगे। बट थ्रू आउट दैट इंटरव्यू आपको एक बड़ी उनकी एक ऑनेस्ट अप्रोच नजर आई कि वो वाकई खिलजी को हीरो मानते हैं। अब अंदाजा लगाइए, उन्होंने कहा कि खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल को रोक दिया हिंदुस्तान में आने। अरे भाई, तुम खुद खिलजी मंगोल हो, यानी एक घर में चोरी करने आया कोई चोर और वो कह रहा है कि मैंने दूसरे चोर को नहीं आने दिया। बट ये इनके इनकी समझ से बाहर है, इनकी समझ से कासिर है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पिछले 700-800 साल में किसी का नाम हिंदुस्तानी नहीं है। अब भी वहां जो बड़े बड़े अदाकार घूमते हैं वो तैमूर तक का नाम, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है शहर का नाम, जिसको गुजराती अहमदाबाद कहते हैं, वो अहमद और मोहम्मद दो भाई थे, उनके शहर। अब प्रयागराज को इन्होंने 500 साल अलाहाबाद कहा, और इनको ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि हमने किसी से ज्यादती की। ये ऐसी बात है कि सऊदी अरेबिया जाके कुछ हिंदू मक्के का नाम रामगढ़ रख दें तो कितना चिल्लाएंगे फिर यही हिंदुस्तानी मुसलमान, अरे कैसे हो गया हमारा एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाए। यही है ना एटीट्यूड इनका। आपने पाकिस्तान में भी देखा कि यही था, अरे भैया यूं निकाल दिया, चक्कू निकाल दिया, मार दिया, कुछ नहीं बचा। एक हिंदू से नफरत जो है वो जड़ जड़ में बैठी हुई है। देखिए वो बार बार तारिक साहब बात जी बार बार वो बात कर रहे थे कि मैं तो दहरिया हूँ, मेरा तो कोई धर्म से भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका सारा जोर मुस्लिम बादशाहों को मनवाने में, मुसलमानों के हकूक़ के लिए था, कोई बात वो दूसरी कम्युनिटीज़ के हकूक़ की कर ही नहीं रहे थे। तो क्या आपको मैसेज क्या मिला उनकी इस गुफ्तगू? देखिए, ये दो चीज़ें हैं, एक आदमी का मुसलमान होना और दूसरा मुस्लिम नेशनलिस्ट होना। जो मुस्लिम नेशनलिस्ट होता है उसको ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, उसको कोई कहता भी नहीं है मौलवी के भाई तू नमाज पढ़, अल्लाह में यकीन कर। आप देखिएगा कि जो हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट दहरिए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
जिसके 20,000 वॉलंटियर पाकिस्तान में आके जिना साहब के लिए जिन्होंने काम किया उनसे मौलवियों को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं आप एथियस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप हिंदुओं के अगेंस्ट हो। और ऐसी बात करें कि जो जिना साहब करते थे, जिना तो बिल्कुल ही जाहिल था, अपने जावेद भाई तो फिर एक पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो बिल्कुल ही डफर था। अपने दोस्त की बेटी लेके भाग के उससे शादी की, 2 साल भगा के रखा। उस टाइप का आदमी जिसको ये नहीं पता था कि जामे मस्जिद दिल्ली के अंदर जूता उतारना पड़ता है। गांधी जी ने कहा भाई जूते उतारो, उन्होंने कहा क्यों, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। उस शख्स को हमने कायद आजम, मुमलकत इस्लामिया का टॉप और महाजरों का और उर्दू बोलने वालों का बादशाह, क्यों? वो ना उर्दू बोलता था, ना उसे इस्लाम का पता था, ना वो पंजाबी बोलता था, ना वो बंगला बोलता था, ना सिंधी बोलता था, और पैसों का पुजारी था। उसने अपने वजन सोने में बिठा के किया। और जो पहली बिहार कॉलोनी बलूचिस्तान में बनी थी 1930s के रायट के बाद कराची की लियारी में, वहां लोग ताली बजा रहे हैं, अरे साहब जिना साहब तराजू में तुल गए सोने के, आगा खान का मुकाबला कर रहे हैं। सो दिस एटीट्यूड इन नॉर्दर्न इंडिया, जो हिंदी बेल्ट का, वहां के मुसलमान का, अरे साहब अयोध्या के अंदर जाना, बाबरी मस्जिद बना दी, राम जन्मभूमि खत्म कर दी। आप सोचिए 500 साल मुसलमानों ने, एक गुंडा आया उज्बेकिस्तान से जो हिंदुस्तान की कोई जबान नहीं बोलता था, बाबर की बात कर रहा हूं, लूट मार उसने जो पाकिस्तान के एरियाज में किया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और बहुत शौकीन आदमी था वो कई चीजों के बारे में, जो खासतौर पे मौलवी करते हैं लेकिन कहते हैं हराम है। वो राम जन्म भूमि जहां हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि लॉर्ड राम पैदा हुए, उसको तोड़ के उस पर मस्जिद बना के भाग गया और काबुल में मर गया। और आप सोचिए कि 500 साल हो गए उसके बाद जाके कहीं किसी की बहुत निगोसिएशन हुए कि मस्जिद साथ बन जाएगी, आप ये जगह दे दें। एंड में जब कुछ नहीं हुआ तो जाके मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद टूटी। आपको 93-94 में मुझे याद है, पहला जो अडवाणी जी का लश्कर गया था वहां करने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मानते ही नहीं थे मुसलमान, ये सारे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान, कोई मानने को तैयार नहीं। अरे भाई यूपी तो हमारा है, आप हर शहर का नाम देखिए मुसलमानों पे, फैजाबाद, खैराबाद, अरे वहां गाजियाबाद भी है, और गाजियाबाद का मतलब क्या है, जहां गाजी मरे। यानी हिंदुओं को मारने में जो शहीद नहीं हुआ उसको बसाया गया वहां, और वो लिखा नेबरहुड है गाजियाबाद। वो हिंदू बेचारों को तो पता भी नहीं उनके साथ हो क्या रहा है, तो कोई शहर का इलाका गांव नहीं है जिसका नाम हिंदुस्तानी हो, सब मुस्लिम कॉन्करर्स और जिन्होंने लूट मार की है उनका। उस दिन कह गए अपने जावेद भाई के तैमूर ने किसको मारा, तैमूर दिया है नहीं। तो देखिए वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपको हिस्ट्री का नहीं पता, वो जहांगीर को, शाहजहां को, अकबर को, इन सब को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। और ये मिला था इसलिए आए थे, हाँ, और इनको ग्रीन कार्ड दिया था, जस्टिफिकेशन ये थी इनकी कि उस वक्त के तो किंग इसी तरह की हुआ करते हैं, मगर उनको हीरो तो नहीं माना जा सकता ना, अगर उस वक्त का निज़ाम ऐसा बुरा था। ये गलत बात कही उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान की 10,000 साल की तारीख में एक हिंदुस्तानी बादशाह ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, क्या बात करते हैं ये, कभी सुना के हिंदुस्तानियों ने चीन पे किया या कैम्बोडिया पे हमला किया या ईरान पे हमला किया? अरे ये तो दुनिया का सितारा था जिसकी तरफ हर कोई आता था, चाहे वो जोरास्ट्रियन है या इमाम हुसैन की औलादें हैं या चोर उचक्के मोहम्मद बिन कासिम जैसे बेगैरत लोग जिन्होंने मक्का को डिस्ट्रॉय किया, काबे को डिस्ट्रॉय किया, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने,
लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान गया था, जो है सिंध हिंद का हिस्सा ही नहीं है। अब हाँ, ऐसे आदमी को क्या बोलें, सिंध सिंधु से हिंद नाम और हिंदू है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान आया था। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान था सैकड़ों सदियां पहले? इनके जहन में था गजवाए हिंद वाला हर शख्स जो है वो आज तक कहता है कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं लोग कहते, ये यूपी बिहार में लोग कहते हैं, हमारे आए थे मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना, वो मार लगाई राजा दाहिर को, अरे भगा दिया, खुदा के वास्ते 20,000 हिंदू बच्चियों को बेच दिया दमेस्कस में, और जिन मुसलमानों ने राजा दाहिर के साथ मिलके इसका मुकाबला किया, जो बसे जाके वहां, आज तक कराची आपने देखा होगा वो जो मकबरा है समंदर के पास, गाजी उनका इमाम हसन के नवासे हैं या पोते हैं, उनकी उनको मारा इस मोहम्मद बिन कासिम ने, और यही इंडियन टीवी पे मौलाना लोग आके कहते हैं हमारा हीरो था। वो सर मौलाना तो दूर की बात है, अगर जावेद अख्तर जैसे लोग कहें, और अब वो ऐसे सवालात उठाते हैं ट्विटर पे, एक घंटे का जो शो था आपके साथ उसका बेशतर टाइम उन्होंने लिया, और अब जब उन्होंने ट्वीट दिए हैं सवालात की शक्ल में, वो आपका नाम भी सही से नहीं लिख रहे, किसी एक ट्वीट में सही स्पेलिंग नहीं लिख रहे, तो क्या हम उसे तो वो टिपिकल देखिए, हम पांचवी छठी क्लास में जिसका अल्ताफ नाम होता था उसको ताफ्ता कह देते थे, जिसका जावेद नाम होता था उसे जेदी कहते थे, ये हमारे वे तार क्या तो कितने गया है, वो मतलब आठवीं जमात का मजाक, मैं हैरान हूँ कि वो कर रहे हैं मेरे नाम की स्पेलिंग गलत की, कहते बता तू। हाँ जी, तो नहीं देखिए, नहीं सर देखिए, बात ये आपने अभी पीछे कहा कि इंटेलेक्चुअल आदमी है, मेरा भी को थोड़ा बहुत ख्याल था कि शायद इंटेलेक्चुअल भी हूँ, उनकी शायरी के बारे में तो मैं पहले ही कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, एक कमर्शियल बॉलीवुड शायर हैं, मेरा बहरहाल जैसा तैसा हाँ। भी है, उर्दू अदब से ताल्लुक है, आपको पसंद नहीं आएगी ये बात, पंजाबी अदब से भी ताल्लुक है, लेकिन मैं उनके बारे में बड़ी यकीन से कह सकता हूँ, यहाँ टोरंटो में उनसे इतने बुलंद पाया शायर मौजूद हैं, दैट्स नॉट अ मैटर, लेकिन इंटेलेक्चुअलिज्म या तारीख की बात जो करते हैं, उनके सवालात इतने बचकाना हैं और वो किसी को बोलने नहीं देते, तो क्या अगर ये लीडरशिप है सेकुलर मुसलमानों की, तो भारत का फिर क्या मुसलमानों का फ्यूचर है? बहुत ही तारीख है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हैं, उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक है इनका, इनके जो सुसर थे वो तो सीपीआई के बहुत बड़े लीडर थे, कैफी आजमी, बहुत ही नेक आदमी था, लेकिन ये सब के सब पाकिस्तान के फेवर में थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी का नाम था अधिकारी उस वक्त, उसने एक पेपर लिखा, मेरे पास है, तो इसीलिए कोई गोली वोली नहीं देने की बात है, मैं सीपीआई के दफ्तर से लेके आया हूँ दिल्ली में, जहाँ उन्होंने कहा पाकिस्तान बनना बहुत जरूरी है, और 20,000 कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिनके माँ बाप मुसलमान थे, अगर वो नहीं है जिनके मुस्लिम नाम थे, जैसे जहीर जावेद थे, कुर्तलन हैदर, पता नहीं कौन कौन आया लाहौर में, जिना साहब को जितवाने आप क्या, और जब टूट ला, जब तबाही मच चुकी, उन्होंने हाथ में लोटा मुंह में पान, वापिस ट्रेन पकड़ के वापिस दिल्ली। हमारे एक दोस्त उसमें मोहिद्दीन कुट्टी, वो केरला से आए थे, कम्युनिस्ट थे, उनकी वफात थी, आई थिंक ही वॉज दी ओनली मैन हु डेडिकेटेड हिमसेल्फ वर्किंग क्लास पीपल इन पाकिस्तान, बीएम कुट्टी बहुत बड़ा शख्स था, मीर गौशपल बिजिंजो के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन ज्यादातर जी जो उर्दू बोलने वाले आए, ये इतनी हिकारत से देखते थे पंजाबी और सिंधियों को कि जानवर कहते थे। आपके जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना, जो मक्का के पैदा हुए इसलिए उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मैं जब कहता था गवानों के पास मत जाओ तो मेरी बात नहीं मानते थे, वो पार्टीशन के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो समझते थे कि ये जो पठान पंजाबी सिंधी हैं ये जानवर टाइप के लोग हैं, और ये बंगाली ये तो काले हैं छोटे, इनका क्या है,
हम हैं बस, बिहार के और यूपी के और टीपी के और भोपाल के और इंदौर के। इतनी रेसिस्ट एटीट्यूड कि पाकिस्तान जहां सिर्फ 5% लोग उर्दू समझते थे उसको नेशनल लैंग्वेज बनवा दिया इन्होंने। एंड जावेद अख्तर बिलीव बड़ा अच्छा हुआ कि पंजाबी पैदा होते ही उर्दू बोलता था। मैंने उनसे पूछा कि महाराजा रणजीत सिंह जो हमारा बादशाह था पंजाब का वो जबान बोलता था, कहते नहीं वो फारसी के अंदर उनका हक्का। सर जी, एक और बात जो मुझे बड़ी खटकी, जब आप भारत में जाते हैं अपनी अपने शेयर्स करते हैं आइडियाज़ थॉट्स, तो मौलवी आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे पाकिस्तानी कहाँ से आ गए, तुम चले जाओ। अच्छा, वही लैंग्वेज जावेद अख्तर ने खुद इस्तेमाल की। पाकिस्तानी होते हैं हाँ, ना। अच्छा, यही लैंग्वेज बिल्कुल जावेद अख्तर ने इस्तेमाल की। अब एक इंटेलेक्चुअल से बहुत कोई तवक्को कर पर्सनल हो सकता गए। है, मतलब आप भारत जाएं, मैं भारत जाऊं, हम अपनी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज शेयर करें, वो यहाँ आते हैं कनाडा में। एक अभी बिल्कुल मेरे घर के पास ओकविल में उन्होंने को 2 साल पहले एक मुशायरे में शिरकत की, मैं टिकट लेकर गया, इतना बोर होकर आया। हम तो नहीं कहते कि आप यहाँ आकर हमें क्या अनाप शनाप सुनाते हैं। उनको इस तरह की बातें समझ नहीं आती क्या? अभी तक वो उसी अपने ही जो है कुएं के मेंढक हैं। ये अल्ताफ हुसैन जो हमारे लीडर हैं उनके रिफाइंड तौर के वो, अगर अगर अल्ताफ हुसैन थोड़ा रिफाइन हो जाएं तो जावेद अख्तर हो जाएंगे। मतलब कोई फर्क नहीं है, लेकिन अल्ताफ हर भाई एक को तो में फिर ये कुछ पता एरोगेंस। है आइडियाज का, इनको तो आइडियाज का भी नहीं अरे पता। आई एम अल्ताफ सॉरी। भाई, देखिए अल्ताफ भाई जेलों से फौजियों से लड़ चुके हैं। मैंने इनसे ये एक सवाल पूछा था कि जब पाकिस्तान फौज और मुक्ति वाहिनी की जंग हो रही थी, आप मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान लीडर बताइए जिसने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया हो और पाकिस्तान फौज के खिलाफ बोला हो। नॉट वन। ये अपने फखरुद्दीन अली अहमद में गलत बोल दिया उस दिन, वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो असम के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इनको लड़ने दो भाई, ये हमारा क्या इनसे ताल्लुक। मतलब पाकिस्तान फौज मारती रहे बंगालियों को, हमारा क्या मतलब। और वेस्ट बंगाल में जब बांग्लादेश के मुसलमान पनाह लेने के लिए आए तो मुर्शिदाबाद में जो बंगाली है वो बंगाली नहीं है, वो यूपी के मुसलमान है जो बंगला बोलते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के रेफ्यूजीज के साथ वो मिसट्रीटमेंट की और इसलिए आज भी वेस्ट बंगाल का मुसलमान प्रो पाकिस्तान है। बांग्लादेश तो वैसे बदनाम करते रहती है हर, आप मैं कलकत्ता गया, आप चाहे भाई ये सोचिए कि कलकत्ता के अंदर 1946 अगस्त 16 को कोई हजारों हिंदुओं को मुसलमानों ने कत्लेआम फुटपाथ पे किया, ज्यादातर बिहारी थे, उनकी बॉडीज गई पटना। और जिन्ना साहब का आइडिया था कि अगर डेड बॉडीज पटना जाती हैं तो वहां मुसलमान पिटेंगे, इसीलिए पाकिस्तान का काम बढ़ेगा। कलकत्ता में देयर इज नो मेमोरियल टू देम। उर्दू है बिल्कुल शहर, कलकत्ता के अंदर बंगला बोलना बिल्कुल अलाउड। और सर वो जो ममता जो है जी, वो भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की कोई मंत्री वंत्री लगती है। अच्छा, ये जो आपका और जावेद अख्तर साहब का विचारधारों का एक मुनाजरा था, हम तो कर रहे थे कि उसमें कोई विचारधारे लाएंगे जावेद अख्तर साहब, मगर वो पर्सनल अटैक पे आ गए। जिस तरह भारत के मौलवी आप पर पर्सनल अटैक करते हैं कि जनाब आप तो सऊदी अरब में रहे, जनाब आपने तो कनाडा के इलेक्शन से हारने के बाद आप इंडिया आना चाहते हैं, हम मैं और आप कैनेडियन हैं, हमें किसी और शहर किसी और मुल्क की सिटीजनशिप क्या चाहिए होगी? क्या ये इशू है? क्या हम इनको दोनों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है, हम दोनों हारे हुए हैं। हमारे सामने हारना या जीतना इलेक्शन के अंदर को माने नहीं रखता, इट वो तो इज द पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल हिस्सा है प्रोसेस। सर, वो तो हाँ, प्रोसेस है। हमारा काम है कि हम जो अपना मैसेज लेके चलते हैं वो सामने आए। आप कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से थे, मैं तो एनडीपी की तरफ से लड़ा हूं ना। अब बट पता क्या, आप सोचिए कौन लोग जावेद अख्तर को नोट छोटे छोटे लिख के भेजते हैं, जज भाई ये बोलिए ये बोलिए ये बोलिए। और वो यहाँ से टोरंटो से उनके क्या कहते हैं मुखबिरीन होते हैं क्या, जो इंटेलिजेंस जावेद अख्तर की अपनी इंटेलिजेंस फोर्स है, वो उनको चोट के देते जाते हैं। सर हाँ, यहाँ बहुत बैठे हुए हैं।
आधा पर्दे आधा पर्दे, माशाल्लाह माशाल्लाह आधा पर्दे। अच्छा हर मुशायरे में आप देखिएगा गर्दन पलट के पीछे देखते हैं, क्यों? कि आपने देखा मैंने शेर के ऊपर वाह वाह कही, कहीं ये ना समझना कि मैं गुजराती बोलने वाला हूं तो मैं समझता नहीं हूँ। हाँ, जब वो पैसे कमाने आते हैं यहाँ मुशायरों के तो हमें तो कोई एतराज नहीं होता। अरे नहीं नहीं आते रहे साहब, उर्दू तो है सेकंड बोली हर एक की, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोगों की मादरी जबान उर्दू है, ये इनको नहीं पता है। ये बेचारे ये आज तक बंगाल की जो जनवरी 8, 1952 में स्लॉटर हुआ कि बंगाली जबान पे पाबंदी लगाई किसने? महाजिर लियाकत अली खान, महाजिर मोहम्मद अली जिना। अब मोहम्मद अली जिना को तो न उर्दू आती थी, न पंजाबी, न सिंधी, न गुजराती, को जबान ही नहीं आती थी, उसको सिर्फ एक जबान आती थी, हाउ मच मनी विल आई गेट फॉर दिस। उसने कहा 2 अपार्टमेंट्स इन लंदन, नो प्रॉब्लम। उसको वहां ही इज द ओनली पर्सन हु वाज अलाइव ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये मोहम्मद अली जिना जो रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू के जमाने में वहां था। जिना ने अपनी सारी जिंदगी में लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा सर, कुछ नहीं लिखा हुआ, वो इनके लीडर है। इसीलिए मैं कहता हूं जावेद अख्तर इज अ पाकिस्तानी बॉर्न इन इंडिया। मैं अपने आप को कहता हूं आई एम इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। आपने एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया था उस मुजाकरे में कि अगर जावेद अख्तर साहब आप और मैं पाकिस्तान जाएं तो हम दोनों के साथ क्या सलूक होगा। आपने कहा मुझे बुरा भला कहेंगे, आपको सब हार पहनाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये दिलों की धड़कने, जो पाकिस्तान का जहर जो है, जो पाकिस्तान का हिंदू हेट्रिड से भरा हुआ पंजाबी और महाजिर जो बैठा हुआ है, वो जावेद अख्तर को बादशाह मानता है। जायद भाई जायद भाई जायद भाई जायद, ऐसे चंचल होकर नाच रहे होते हैं लोग, अमन की आशा अमन की आशा। आंटियों को देखें, प्रेस क्लब में देखें, जहां जाएं सर पे उठाया हुआ होता है, वो ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं, तो कैफी आदमी का वो हूं। और मैं कैफी आदमी से बाद में मिला हूं, पहले की बात है। यही सवाल हमारा उनसे था कि आपने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया, वो नहीं इनकार करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, या अधिकारी के बारे में जानते ही नहीं होंगे, या कम्युनिस्ट पार्टी क्या। अब तो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी में भी फैशनेबल आंटियां होती हैं, बड़े बड़े बंदे लगाए हुए या सूट पहने हुए लोग, कोई गरीब आदमी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। हर एक जो सेठ है, आंटी अंकल है, किट्टी पार्टी में जाने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अरे इससे बड़ी ज्यादती हो रही मच्छियों के साथ, और एनवायरमेंट बड़ा खराब है, ग्रेटा खुला, ये जो चल रहा है काम, इट इज अनबिलीवेबल। और पाकिस्तान तो आपका खून बहा रहा है वहां पर, तो अब मुझे बताइए कौन किसका दोस्त है। मैं तो डंके के चोट से कह रहा हूं कि हम राजपूत हैं, हिंदू थे, पंजाब में गए शेख आदि, जहां आप भी कसूर से हैं, वहां में किसी ने मुसलमान करके छोटी बेटी कहत आया हुआ था, मुसलमान हो गए। पंजाब का इस्लाम सर आपको पता है, अलग चीज, हिंदू के साथ रहते थे, सिखों के पहले थे। आपने सिर्फ पंजाब का बंटवारा करा, यूपी का नहीं किया। अरे बंटवारा करना था यूपी का करते, हमारी जान को कहां से आ गया, हमने थोड़ी पाकिस्तान मांगा था। अब बार बार वो आप पर ये इल्जाम लगाते थे कि आप पंजाबी हैं, तो आप पंजाबी हा? जो फौज है उसने ये सारा काम किया बांग्लादेश का और ये सारा, तो ये भी एक आर्गुमेंट हमें समझ नहीं आया, आप इस आर्गुमेंट को कैसे लेते हैं? ये इतनी प्रिमिटिव है और इतनी रेसिस बात है, ये छठी सातवीं क्लास में जिसका रंग काला था उसे कहते थे ना, वो काली आई है, ये उस लेवल की है, ये तू पंजाबी है इसीलिए। अरे पंजाबी महाराजा रंजीत सिंह तो मेरा बादशाह, लाहौर जो है, कसूर जो है, ये तो राम के बेटों के शहर है, ये हम पोरस हमारा लीडर था। अब वो हम पंजाबी होने के लिए क्या मुसलमान होना जरूरी होता? और अगर पंजाबी जो गलत काम करते हैं, हम तो पहले सामने पंजाबियों को अपोज करते, बल्कि महाजनों से ज्यादा मैं पंजाबियों को जिम्मेदार ठहराता हूं कि पंजाबियों को इतनी शर्म नहीं आती। क्या देखें आप, दोनों आप मैं दोनों पंजाबी उर्दू में बात कर रहे हैं,
ये तो पाकिस्तान बनने के बाद है ना, अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो पंजाबी गल कर रहे होने, बिल्कुल ठीक। मत मारिए कि उर्दू बैठ गल कर रहे, पता नहीं है उर्दू की, उर्दू जबान जी ना इस तरह लगता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। जलेबी बनवा के बेच रहा, माशाल्लाह क्या बात कही है साहब, द मैन डजंट मीन अ डैम थिंग। पंजाबी च किसी को गुस्सा आता ना कहना एक चपेट लाऊंगा निकल जाए तो, उर्दू च कहते आपने इतनी प्यारी बात की, मुझे असल में बेगम के पास जाना है और कुछ कचौरियां खरीदनी, तो मैं जरा चला जाता हूं। वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, यू नो दैट। तो हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं कि पंजाबी फौज की ने हमला, अरे पंजाबी फौज से किया तो हम जेल में बैठे हुए थे, आप वहां मुशायरा कर रहे थे आधा बरसे आधा बरसे। इन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 26 साल का था, मैं कैसे बोलता, अरे मैं 21 साल का था, मैं तो जेल में पड़ा हुआ था। स्टूपिड, बिल्कुल इनको मैथमेटिक्स मेरे ख्याल पढ़ी नहीं इन्होंने, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट का एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, एक थीसिस होता है, आप उसको प्रूव करें या ना करें। कि नहीं हम बस गालियां देंगे लेकिन उर्दू में देंगे, और बेचारा इंडिया का जो हिंदू है वो इतना इंप्रेस हो जाता है, अरे साहब उर्दू में बात कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी, कहीं भी इंडिया में खड़ा होके एक आदमी उर्दू बोलने लग गया, 5 आदमी खड़े होकर शक्ल देखते हैं, कमाल है यार, इतनी छोटी उम्र में कितना पढ़ लिख गया कि देखो बच्चा उर्दू बोल रहा वो और बात है कि पुरानी दिल्ली में कोई नहीं देता, वो किस्सा अलग है। आपके इस मुजाकरा से भारतीय और साउथ एशियन वैसे भी बहुत कुछ जानना चाहते थे। उनका ये ख्याल था कि तारिक फतेह जी के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो बड़े ठीक से लगेंगे जावेद अख्तर साहब की तरफ से, मगर जावेद अख्तर साहब ने वही सतही बातें और जैसे बच्चों की स्कूल वाली बातें होती हैं वो की। वहाँ पर श्वेता सिंह जो बड़ी सीजन्ड एंकर हैं, उन्होंने कुछ दो तीन सवालात पूछे, उनको उन सवालात का भी पता नहीं चला। इस्लामोफोबिया की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जो आज के हालात हैं उसमें आप जावेद अख्तर साहब भारत में इस्लामोफोबिया को किस तरह देखते हैं, वो तो खैर हमें जवाब नहीं दे पाए, आपको वहाँ पर सिचुएशन कैसी नज़र आती है? देखें बेचारी श्वेता को तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि शी वॉज झूठते के साथ ही सवाल किया उन्होंने मुझसे और मैं बोल नहीं पाया, तो जावेद अख्तर ने कहा आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मैं मुझसे सवाल किया है आप कैसे। अब हर बात पे बहुत ही शरारती है बंदा। व्हेन जावेद अख्तर मस्ट बी अ लिटिल बॉय, ही मस्ट हैव बीन अ वंडरफुल पर्सन, क्योंकि इतना शरारती आदमी मैंने देखा, वो बगैर कुछ बोले मैं कह रहे अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोल, अरे भैया तू ही तो बोल रहा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, जैसे ही मैं मुंह खोलूं अरे बस करें हमें भी बोलने दे। ही डिड नॉट अलाउ मी टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। ये कॉलेज में नहीं होता था डिबेट के अंदर एक हूटर रख देते पीछे हम, वो जैसे ही स्पीकर आता था वो भोंपू चला देता था, या पागल ही हो गुजरता था कि कोई सुन ना सके बात। तो ये वो टैक्टिक्स यूज कर रहे थे अपने स्कूल के जमाने की, कि स्पीकर को सुनने ही नहीं दे कोई। देन ही डिड इट थ्रू आउट 5 मिनट्स, ही एक्सेप्ट क्लेमिंग के मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, सवाल किसी से भी हो अरे साहब मुझे क्यों बोलने नहीं दे रहे सर, मैंने कैलकुलेट किया टाइम, कोई तकरीबन 56-57 मिनट का शो था और उसमें तकरीबन 47 मिनट के करीब वो बोलते रहे हैं। कुछ दो तीन सवालात किए हैं एंकर्स ने और आपको शायद 8-10 मिनट मिले, और फिर भी उनका आखिर में गिला ये था कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। अब वो शो पूरे का पूरा मौजूद है, व्यूर्स देख सकते हैं, खुद टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मगर सर मेरा सवाल वही है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से ख़ासतौर पर जो तबलीगी जमात ने कोविड वायरस में अपना फैलाव में अपना किरदार अदा किया, एटलीस्ट 30-40% तो है ही ना इनकी वजह से, अच्छा उसको भी आप इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया भारत में कह रहे हैं? भाई एक रियलिटी ये है, एक फैक्ट है, आप मान लें इस बात को। देखिए इस्लामोफोबिया जो है वो एक, उसका मतलब है इरेशनल फियर ऑफ इस्लाम, है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा रैशनल फियर ऑफ इस्लाम है, और ये नॉन मुस्लिम को नहीं है, किस मुसलमान को इस दूसरे मुसलमान से है। सीरिया चले ना, 5 लाख मुसलमानों को मुसलमानों ने मारा है ना, तो वहां जाके पूछिए कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया क्या, अरे भैया उधर को बचा नहीं,
तुमने इमाम हुसैन को मार दिया, बोले इस्लामोफोबिया। जो लोग अपने पैगंबर की औलादों का कत्ल करते हैं, वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं जिन्होंने मक्का का काबा तोड़ दिया हज्जाज बिन यूसुफ वाले ने, और उनको कहते हैं वो हीरो हैं, इस्लामोफोबिया। अरे हिंदू इस्लाम से क्या डरेगा, मुसलमान की हवा निकलती है। सर देखिए ना, मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो ट्रैफॉल्गर जी, मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ ट्रैफॉल्गर स्क्वायर के आसपास जाते हुए डरता हूँ, क्योंकि दर्जनों वाकयात हो चुके हैं टेररिज्म के वहां पे। तो इस्लामोफोबिया तो आपको और मुझे है। छोड़िए, हमारे यहाँ अजानें जो शुरू हो गई हैं टोरंटो और मिसिसागा में, आप सोचिए जिस काउंसलर ने इजाजत दी है कि चार स्पीकर चारों कोने पे दबा के करो अल्लाह अकबर, और अजान क्या है, हय्यल फलाह, आओ नमाज पढ़ो, और उस मस्जिद में जिसमें नमाज बंद है, हाँ, जहां कोविड-19 की वजह से कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज, ये खातून कौन है, ये मैनिटोबा कम्युनिस्ट पार्टी की चीफ है, इनको दर्द इतना है ये करने का कि अल्लाह आई वॉज वेरी नाइस टू इमिग्रेंट। ये जो व्हाइट गिल्ट है ना, ये आप मिसेस आगा की मेयर, उन्होंने कहा अजाने दो, मुझे बताइए कि किसकी अजान चलेगी, शिया की या सुन्नी की, क्योंकि दोनों का वक्त अलग होता है। और अहमदियों को अजान की अभी इजाजत नहीं मिली, अहमदी तो बेचारे, वो उनको आप जितना मारेंगे वो उतना आपके लॉयल होंगे, जिस मुल्क में उनका कत्लेआम करने का कोशिश है वो उतने ज्यादा पाकिस्तान के पेट्रियाटिक होते हैं, वो और बात है। ये एक क्रिश्चियन है पाकिस्तानी, बिचारों का हशर कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन सारे आपको मिलेंगे पाकिस्तान डे पे बैठे हुए, वो खौफ के मारे में बैठे हुए कि अल्लाह हमें जीने दो। थाईलैंड के अंदर 10,000 पाकिस्तानी क्रिश्चियन बैठा हुआ है रेफ्यूजी कैंप्स में, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। वो कह रहे हैं तारिक भाई हमें किसी तरह इंडिया आने दो, ईसाई हैं हम, वो समझते हैं बहुत मेरे ताल्लुकात हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलता हूं। बेचारों के साथ बुरी हालत है, सिंध के हिंदुओं को हाजिर कर दिया, उनके बच्चे किडनैप करते, उनके बच्चों को रेप करते, और रेप को आप शरिया के एक एंगल से देखें इज जस्टिफाइड। आपने कहा ना, एक से करो, दो से करो, तीन से करो, चार से शादी करो, और वो जो तुम्हारे सीधे हाथ में है वो कौन है। इसीलिए तो रेप इतना कॉमन हो गया है कि जब चाहता है, माले गनीमत में लड़के ही आती थी ना, आपके मोहम्मद बिन कासिम ने 20,000 हिंदू लड़कियों को सिंध से लेकर भेज दिया ना डमास्कस में। ये जो आया था कमबख्त गजनी सोमनाथ पे हमला करने, कितनी लड़कियां लेके गया। ये तो हम इतने बेगैरत हो गए हैं कि अब्दाली जिसने लाहौर को रेप किया, हमने अपना मिसाइल का नाम अब्दाली। मेरा सर जो परेशानी का महवर है वो ये मसला है कि अगर जावेद अख्तर जैसे लोग भी उन लूटने वालों को मारने वालों को भारत का हीरो समझते हैं, और आज की अवेयरनेस में वो ये मानने को तैयार नहीं कि भाई हिटलर को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, ये हिटलर की तरह के लोग ही थे ना, तो इसराइल में, हाँ ये तो हिंदुस्तान में खिलजी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये वही बात है ताहिर, कि मेरे घर चोर हो जाए, लूट के चले जाए, और जब चला जाए तो बोले मैंने इतना अच्छा फर्नीचर सेट करके दिया उनको, क्यों ये क्यों मुझे अपोज कर रहे हैं, मैंने इनको तबाह कर दिया लेकिन ताजमहल दे दिया। जैसे ताजमहल तो फरिश्तों ने बनाया, उसमें हिंदुस्तानी नहीं थे क्या, वो क्या था, हमारा मजाक उड़ाया बताइए, जैसे खुद ही जमीन से उड़ गया वो। अरे हिंदुस्तान का माल, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान की जमीन, शर्म आनी चाहिए किसी और की जमीन पर कब्जा करके बाबरी मस्जिद बना दी। मैं तो गया हूं अयोध्या, देख के आया हूं। अब सर ये बताइए बहुत ही सीरियस नोट में कि भारत में ये बात तो तय है कि कश्मकश बढ़ती चली जा रही है इस तरह की मुस्लिम लीडरशिप की वजह से, और जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर और दैरिये कहते हैं उनको भी किसी बात की समझ नहीं आती, तो फ्यूचर क्या होगा भारत का।
भारत का कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे बताइए, इरफान खान मुसलमान था, पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल इट्स इन मॉर्निंग। आपने किसी से सुना कि इरफान खान जो एक आम सा था, उसकी पहली फिल्म जो प्रोड्यूस हुई थी, उनका प्रोड्यूसर तो हमारे यहाँ ही टोरंटो में रहती हैं, किसी ने कभी कुछ बुरा भला किसी मुसलमान को कहा जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है? आप हम दोनों दिल्ली कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हैं, कभी किसी ने उंगली उठा के कहा मुसलमान किधर जा रहा? हमने उल्टा देखा है मुसलमानों के भले में क्या होता है। बिल्कुल ठीक। मैंने तो एक टीम देखी जिसने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए थे पुरानी दिल्ली में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्ले झंडे कहते हैं लोग, वो क्रिकेट टीम ने लिबास पहना हुआ वसीम अख्तर का, चले जा रहे हैं, जैसे मिले, अरे सर पाकिस्तान से आए, एकदम गले मिलने जैसे मैं आसमान से आया हूं, पता नहीं, अनबिलीवेबल है। और ये बहुत मासूम लोग हैं हिंदू, खुदा की कसम कह रहा हूं कि इनको अभी तक समझ ही नहीं आया कि कितना इनके साथ ज्यादती हो गई। सर जब मैं ये साल जी जी जब मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होगा, एक टेंशन तो है। मैं जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं उनकी तरफ से मुझे कोई ख़तरा नहीं होता। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जैसे इरफान खान साहब की आपने मिसाल दी, गॉड उनको अपनी ज्वार रहमत में जगह दे, जो ऋषि कपूर साहब नहीं रहे, खुदा उनको भी, भगवान वो हमारे पाकिस्तानी थे बाय द वे। जी जी सर, सारा पाकिस्तान ही भारत है और पूरा भारत ही सारा पाकिस्तान और वो पूरा रीजन है। मेरे से तो सब कॉन्टिनेंट लफ्ज भी नहीं बोला जाता, गलत लफ्ज लगता है। पूरा भारत है सर, सब सब भारत, भारत है ये। जी जैसे आप हमेशा कहते हैं कि एक फ्रांसीसी जो है वो कैसे कह सकता है कि वो यूरोपियन नहीं है, झूठ ही बोलेगा ना। ठीक है, तो अगर एक पाकिस्तानी ये कहे कि अगर एक पाकिस्तानी कहे कि वो भारतीय नहीं है तो वो भी झूठी है। तो इस आप मुझे बताइए, एक बात, एक सेकंड जी, ये कुरैशी कुरैश का कबीला, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का कबीला, ये मक्का से निकला, ये मदीना में नहीं रुका, ये जॉर्डन में नहीं रुका, ये इराक में नहीं रुका, ये सीरिया में नहीं रुका, ये जेरूसलम में नहीं रुका, ईरान में नहीं रुका, बलूचिस्तान में नहीं रुका, सिंध में नहीं रुका, सीधा जाके दिल्ली में कसाई की दुकानें खोल के कहता अब आ गए हम कुरैशी, अब बताओ हम सैयद भी हैं। अरे किधर के सैयद भैया, अरबों से पूछो, दो चपाट लगाएंगे ठीक हो जाओगे, बोलेगा नीचे बैठ के जूता पॉलिश करो, वो कर लेगा, सब खत्म हो जाएगा सारा अरबी। और वो आपके कुछ और हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम तुर्क हैं, वो कहता है कोई कोई है ही नहीं यहाँ का, आसमान से गिरे सब आके हम लोग, मुसलमान आ रहे हैं, बचो बचो। लेकिन सर ऊपर तले जो हम देख रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से एजिटेशंस हो रहा है, ये अभी सीए के प्रोटेस्ट हुए, फिर ये तबलीगी जमात के सिलसिला में बजाय के कॉलिंग स्पेड अ स्पेड की बजाय उल्टा इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलना शुरू हो गए, तो उससे इनका अपना जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। मोदी सरकार के लिए हिंदू राष्ट्र की बात होती है, उसके लिए ये रिएक्शनरी होते हैं, हालांकि हिंदू राष्ट्र से क्या किसी को नुकसान होगा, इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस सारी सूरत हाल में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से सर, वो ये है कि एक एक टेंशन है कम्युनिटीज़ में, होगा ठीक है, तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो कहां जाके, आइसलैंड में होगा? कोई 50 मुसलमान मुल्कों के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक लगा हुआ, हम कनाडा को कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्रेडिशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हमको कसम खानी पड़ती, वो भी 1776 का, मेक्सिको का क्या बैकग्राउंड है, श्रीलंका का क्या है, हर एक का ना, इंडिया का नहीं हो सकता साहब, इंडिया के अंदर हिंदू लव्स बोला और दैट मींस यू आर रेसिस्ट, ये कोई बात है? और ये बदमाशी जो है ये खत्म होगी, लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को टूटना पड़ेगा। जिस दिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल दिल्ली में दफ्तर खोल दिया, ये बरामदा बुगटी और हरबियार और मेहरान और जितने भी अपने डॉक्टर साहब जो पहाड़ों में लड़ रहे हैं अकेले, अपने अल्लाह नजर साहब, अल्लाह उनको
रमजान में लंबी जिंदगी दे, ये सब लोगों को जब मिलेगा तिब्बत की तरह गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो क्या होगा जब ये बल्तिस्तान का इलाका जिसपे इन्होंने बेच दिया चाइना को, ये लड़कियां जो आप क्रिश्चियन पकड़ के चीनियों को बेच रहे हैं, ये सब एक दिन मैथमेटिकली इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड द अनरेवलिंग ऑफ द स्टेट, द डिसमेंटलिंग ऑफ पाकिस्तान, ये होना है। क्योंकि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है कि आपने 30 लाख बंगाली मारने के बाद भी आप बैठ गया, हम पाकिस्तानी हैं। अरे किधर के पाकिस्तानी हो, जिन्होंने बनाया था बंगाल में उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, सिंध के अंदर तो तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं थी, पंजाब में थी नहीं, फ्रंटियर की तो गफ्फार खान की कांग्रेस की गवर्नमेंट पलट के उसको कितने 20-25 साल जेल में रखा, बलोचिस्तान आजाद मुल्क था उसमें कब्जा कर लिया, और फिर कह रहे हम पाकिस्तान है। अरे लफ्ज पाक पे ज्यादती है ये, लेकिन ना पाकिस्तान है। लेकिन भारत की जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, और उसके साथ आरएसएस को जोड़ा जाता है, उसके बारे में वेस्ट में इतना खौफनाक प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए मुझे भारत की सरकार की तरफ से कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आती। आप इसको कैसे देखते हैं? भारत के अंदर भारत की बीमारी है भारत का बाबू, हजारों के हिसाब से सिविल सर्वेंट लगे हुए हैं, फाइलों को इधर से उधर, उधर से इधर। ये जब तक आपको एक मशीन बताऊं, हर साल हर नौजवान बच्चा, लड़का और लड़की अपनी जिंदगी के 2-3 साल गुजार देता है रात को रट्टा लगा लगा के वो AIS का एग्जाम देने के लिए कि भगवान मुझे पक्की नौकरी मिल जाए फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये 25 साल की उम्र में रिटायर होने का शौक जो है बाबुओं को, ये बैठे हुए इनकी फाइलें चढ़ती रहती हैं। ये 1 लाख अफसर को फायर कर दें और लोगों से कहे जो तुम्हारा प्रोफेशन होगा उस पे काम करोगे, ये कहां से आ गई? ब्रिटिश सिविल सर्विस का एग्जाम रट्टे लगा, आप जिस चौराहे पे देखेंगे कोचिंग क्लास चल रही है। अरे भाई वेल्डिंग सिखा रहे हो? नो, आप कारपेंट्री कर रहे हो, किस चीज का यहां? नहीं साहब, रट्टा रट्टा सिखा रहे हैं हम ताकि आप रट लें, ये जवाब आएगा, ये सवाल होगा। लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी ये IAS के लोगों ने, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं कुछ पढ़े लिखे, लेकिन देयर जॉब इज टू स्टॉप प्रोग्रेस, क्योंकि अगर काम हो गया तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काम रोके रहो। तो आप समझते हैं जो काउंटर नहीं हो रहा भारत के खिलाफ, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, अफसरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का इनएफिशिएंसी है एक तरह से, उनकी बीवियों का है। देखिए वेस्ट में जितने भी डिप्लोमेट हैं उनकी बीवियां कहती हैं वापस चले ना, यहाँ क्यों बैठे हुए, यहाँ तो बस लेनी पड़ती है। जिसकी ट्रांसफर वापस हो जाती वो फ्लैट भी ढूंढती है कि इतना अच्छा फ्लैट, को पता नहीं उनकी टर्मिनोलॉजी भी अलग है इंडिया के फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स के, वो वहां अपनी रिटायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जहां इंडिया की डिप्लोमेट औरतें हैं वहां आप देखिएगा काम सही होता है, ये नोटिस करने वाली बात है। मैं तो देखा है कि व्हेन अ वुमन इज डूइंग समथिंग इन इंडिया शी डज इट राइट, व्हेन अ मैन इज डूइंग समथिंग ही विल टेक टाइम, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने सड़कों पे भी देखा है, ड्राइविंग में भी देखा है, जो बच्चियां स्कूटियां चलाती हैं, साइकिलें चलाती हैं, खुदा की कसम ऐसा लगता है सबको अडॉप्ट कर लूं मैं, इतना उनमें विगर है, डिसिप्लिन है। जितने लड़के हैं वो ढीले ढाले, किसी की पैंट निकली हुई, कोई सर खुजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पेट निकले हुए, क्योंकि इंट्रोवर्ट नेचर है। हम सब हिंदुस्तानियों को अंदर देखने का शौक है, हमने किसी पे हमला नहीं किया, हम बाहर नहीं गए, जो दरिया पार करता था वो हिंदू ही नहीं रहता था। तो आज पाकिस्तानी आपको लीड कर रहा है हिंदुस्तान को, पाकिस्तानी अंदर का सोचता ही नहीं है। वो स्पेन, हाँ उसको पढ़िए कि जनाब फिलीपींस के कैपिटल मनीला का नाम मिन अल्लाह था, अफ्रीका में हमने यूं कर दिया और फ्रांस की यूं तबाही मचाई, वो उसको पता ही नहीं है, बिलीव मी, कि कुंभ मेला क्या है, उसको अयोध्या की कोई खबर ही नहीं है। पाकिस्तानी बैठा हुआ है इंडिया का गला काटने के लिए हर तरीके से, आपको डिग्री मिल जाती है जाली, आपको पता है आप कुछ भी चाहे बन सकते पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जनरल्स कनाडा में आके बैठे हुए गलत नाम से, मिसिसागा में ही रहते हैं, बड़ी शानदार क्लब भी है यहाँ पे,
और हिंदुस्तानी जो हैं, जो टोरंटो में रहते हैं, आप देखेंगे वो कोई बात ही नहीं करता, खालिस्तानी करते हैं। लेकिन जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, गुजराती है या पंजाबी है या तमिल है, उनको किसी केस से वास्ता नहीं, सिर्फ उनका बच्चा MBA कर ले और किसी गोरी लड़की से शादी हो जाए उनकी, बस। पाकिस्तानी उनको घुमा फिरा के पिटाई कर रहे हैं, अब वो घर बैठे बोल भाई हमारा क्या, हमारे तो देखिए कश्मीर के अंदर जो थे ना पंडित के साथ बड़ी शादी। अरे भाई आप 1990 गुजर गया, आज की बात करो, अब एटम बम है उनके पास, हाउ विल यू फाइट। आप बताइए कि बर्नी सैंडर्स जैसा प्रेसिडेंट बन सकता था, उसका कैंपेन चेयर पाकिस्तानी, नहीं कैंपेन मैनेजर पाकिस्तानी और चेयर ऑफ कैंपेन वो खालिस्तानी। हाँ ये हो रहा है और इंडिया की गवर्नमेंट को पता है। तो आखिर में सर ये ऐसे बताइए ही कि TNT पर वो टॉप के वो भी अपने जो हैं बेवकूफी में चले जा रहे हैं। आपको कोई ऐसा इम्कान नज़र आता है कि भारत की सरकार कोई ऐसे इकदामात ले कि उनकी जो बाबूशाही है या जो डिप्लोमेट्स हैं किसी तरह से एफिशिएंट हो जाएं? लंबा प्रोसेस है ये, यही PM कर सकते हैं, 56 इंच वाली छाती कर सकती है, बाकी तो इनको कोई नहीं हिला सकता। ये एक दिन सबको बुलाएं, बोले लॉन्ग टर्म वेकेशन, 5 साल के लिए आप इंडिया से भाग जाएं, कहीं फीजी बैठ जाइए, निकलो यहां से, हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने अपना वापस। आपको मैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एक ट्रेजिडी बताऊं कि जब शास्त्री जी ने फौज को हुक्म दिया कि लाहौर पे हमला करो, तो इंडिया की नेवी के चीफ जो थे उन्होंने अपनी शिप्स विड्रॉ कर दी कि पोर्ट में ले आओ यार, ये तो 10-15 दिन की जंग होगी, खाम खा हमारे जहाज पे गोला वोला पड़ गया तो पेंट करना पड़ जाएगा। तो पूरी नेवी वहां अंदर ले ली उन्होंने, और पाकिस्तान सेंट अ नेवल डिटैचमेंट जिसके कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट कमांडर गजनवी था, उसने जाके हमला कर दिया। आपकी इंडिया एयरफोर्स एयरपोर्ट से उठी नहीं, हंटर एयरक्राफ्ट सारे मारे गए, हर एक का अलग है। अगर एक एक इंडियन जनरल है, हर बख्श सिंह मेरा नाम याद नहीं आ रहा, सेम तरन तारन के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मर्ड कोर बढ़ रही थी, ही डिफाइड द ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली एंड ब्रोक द रिवर बैंक जिसके अंदर कोई पाकिस्तान के 100 टैंक डूब गए, पैटर्न टैंक जो थे, और तरन तारन बचा। उन्होंने तो अबैंडन करने की बात की थी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप करगिल वॉर का देखिए कि पाकिस्तान फौज भाग गई तो ऊपर से ऑर्डर आ गया कि लाइन कंट्रोल क्रॉस ना करो, अरे पायलट को कह रहे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करो, ये कोई कस्टम की लाइन है, वो भाग गए आप पीछे, फौज जिन्हें आपका इलाका है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गिलगित बल्तिस्तान इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहां वहां की आप पूछ लीजिए किसको, तो JNU में उनको पता ही नहीं होगा बल्तिस्तान है कहाँ, लेकिन सर हम ये तो गुस्सा देखते मुझे हैं इंडिया पे भी आता है। जी, हाँ लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ अमेरिका में इवन रिपब्लिकन पार्टी के जो इम्पोर्टेंट सेनेटर है, लिंडसे ग्राहम फॉर इंस्टेंस, और इस तरह के लोग भी भारत के कश्मीर के मसला को नहीं समझ पाते, तो फिर क्या इम्कान है कि इतने क्लोज एलाइज भी इंडिया के रियलिटीज़ को ना समझ पा रहे हों और कोई भारतीय अलायंस नहीं सरकार? है, अमेरिका चलता है डोनेशंस पे। आप $10 लाख दे दीजिए डोनेशन, वो आपका कांग्रेसमैन आपके स्टेटमेंट दे देगा, लॉबियस्ट बैठे हुए आपके, कनाडा में नहीं हो रहा, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो आए पाकिस्तान ISI को रिपोर्ट करते हैं, कितने खालिस्तानी हैं, कितने मंत्री खालिस्तानी हैं जो ट्रूडो की कैबिनेट में बैठते हैं, कैसे आ गए? ये पाकिस्तान को आता है नोट छापना, इंडिया को आता है नोट को किसी तरह रोकना, और ब्यूरोक्रेसी करती है। आपका ISI हर जगह फैला हुआ है, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं हर चीज रिपोर्ट हो जाएगी, अब तक आप अंदाजा लगाइए CSIS की जो स्पोक्स पर्सन है वो भी पाकिस्तानी है, आपको तो शायद वाकिफ होंगे आप
प्रिवी काउंसिल का मेंबर भी पाकिस्तानी है। तो जरूरत इस वक्त यह है, एक रास्ता बलोचिस्तान की आजादी। जिस दिन हिंदुस्तान ने बलोचिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड दी, हाँ, और अपना जो बंदा वहां पकड़वाया हुआ है उसकी उसको बेसिस पे चेंज करवाएं, आप दम दिखाएं, एक आदमी जेल में बंद पड़ा हुआ है और आप बैठे हुए आराम से। आप बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं भारत का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो कैसे दुरुस्त होगा, वो नहीं दुरुस्त हो रहा तो बलूचिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी दुरुस्त हो सकता। एक अब हमारे थे ना इंडिया के एम्बेसडर जो यूएन में थे, क्या सैयद अकबर साहब, हम उतना भी रिटायर हुए, बताइए जी, सैयद अकबर सुपर्ब सुपर्ब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, बट एवरीवेयर यू नीड द कम्युनिटी ऑल्सो टू वर्क। आप जब चाहें इंडिया कॉन्सुलेट के आगे 500 आदमी यार मेरे घर के पास खड़े हो जाते हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा के चले जाते हैं, किसी एक के उसमें दम नहीं है कि खड़ा हो जाए इनके सामने, बोले क्या बात कर रहे हो तुम। तो जो भारतीय डायस्पोरा है वो भी तो फिर आपके मुताबिक बड़ा इनफेक्टिव है। वही तो है इनफेक्टिव सर, ये पूरी दुनिया की सियासत डायस्पोरा से चल रही है। ये चीन के अंदर जो गया वायरस, वो आपको भी पता है मुझे पता है कि लैब कौन सी थी और कौन से साइंटिस्ट कनाडा के जो थे वहां उनके वुहान के साथ काम कर रहे थे। वी नो के हाउ डायस्पोरास आर यूज्ड, पाकिस्तान यूजेस इट, चाइना यूजेस इट, इंडिया यूजेस देम। आई डोंट इवन थिंक देयर इज अ मिनिस्ट्री दैट लुक्स आफ्टर एनआरआई। जब प्रथमदा मुक्ति का रेफ्यूजी क्लेम रिफ्यूज हो सकता है इंडिया में, तो मुझे बताइए जब इतना डिजर्विंग केस एक शख्स के पास रहने का घर नहीं है, उन्हें कहा नहीं, गवर्नमेंट ने दे दिया, बाबू ने कह दिया नहीं, उन बाबू को तो मैं ढूंढ रहा हूं। सर आखिर में मैं जानना चाहूंगा, आज की जो आपकी और मेरी गपशप रही, क्या ऐसी बात है जो हम मिस कर रहे हैं और जो आप करना चाहेंगे? इस्लाम और सियासत को अलग करना हर मुसलमान का फर्ज हो गया, चाहे भारत हो, चाहे कनाडा, कोई भी दुनिया की जगह हो। हाँ, हर जगह, देखिए हर जगह, क्योंकि हमें आपको पता है घोड़े नहीं उड़ सकते, लेकिन शरिया में है कि घोड़े उड़ते हैं, सातवें आसमान पे भी जाते हैं, और ये भी कि सात आसमान होते हैं, तो हम इसको कैसे रेकंसाइल करेंगे? हमें वो बहादुरी शो करनी चाहिए जो मुतजलाइट जो थे, जो आज से मेरे ख्याल है 500-600 साल पहले, एट द टर्न ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ इस्लाम, जिनको फिर अशराइट्स ने वो पिटाई की कि सब खत्म हो गए। मुतजलाइट्स ने ये कहा कि ये कुरान जो है, सबसे पहली बात मैं कहूं, वो अपने क्रोनोलॉजी में नहीं है, जिसकी मर्जी आई, जिसने जहां सूरत लगी बड़ी छोटी करके हजरत उस्मान के जमाने में कुरान बना दिया और 300 नुस्खे चला दिए, किसी को नहीं पता वो नुस्खों में क्या था। जो इस किताब पे हम पूरी यकीन रखते हैं वो इब्न हिशाम की वो जो सवाने हयात है प्रॉफिट मोहम्मद की, जो 200 साल बाद लिखी गई, वो वाहिद किताब है जो हमें, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ये इतने सही पढ़ा हुआ है मेरे सारा, आई कैन बेट यू के किसी ने नहीं पढ़ा इब्ने कथी, पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो हमें ये चाहिए कि पीछे हट बगैर खौफ के हम ये कहें कि एज अ मुस्लिम हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी एक अर्ज सुन ले मुसलमानों से, शायद आपके दुश्मन और दोस्त सुन रहे होंगे, कि कुरान नाजिल होने से पहले तो लोग मुसलमान हो गए थे, कुरान को तो 14-13 साल लगे ना, लेकिन मुसलमान पहले हो गए, तो किस बात पे मुसलमान हुए? वो सिर्फ एक तौहीद, कि देयर इज वन क्रिएटर और मुसलमान सिवाय उसके किसी और के आगे झुकता नहीं है। और इस्लाम बना क्या? खलीफों की बारात। वो लफ्ज जिसका ताल्लुक
नहीं है इस्लाम के अंदर खलीफा, और चारों खलीफों के अलग टाइटल थे, कोई अमीर मोमिनीन था, खलीफत और रसूल था, तो खलीफत अल्लाह हो गया, सब चल रहे साथ। इसीलिए अजान तक का वक्त अलग है शिया और सुन्नी का, सूरज भी डूबता है कई और तरीके से। तो हमें ये जो छोटी छोटी वो हैं इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बड़ा एंटरटेनिंग है कल्चरल इस्लाम, लेकिन ये तो समझे कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, तौहीद। अभी बहुत कुछ रिसर्च बाकी है कि पेट्रा में क्या था, काबा था कहाँ, काबा पे जब 18 साल तोड़ दिया गया हज्जाज बिन यूसुफ ने, तो हमारे जो एक खलीफा जिसको कोई मानता ही नहीं है, जो अपने अब्दुल्ला बिन जुबैर, इमेजिन उसका नाम ही नहीं कहीं, 18 साल तक हज नहीं हुआ इस्लाम में शुरू में। तो ये तमाम चीजें बगैर खौफ के आप डिस्कस करें, बगैर एकदम फतवे ना छूट जाए। ऐसे दो चार मौलवियों से मेरी बड़ी यहाँ शब्बीर अली है, इनसे आप बात कर सकते हैं जो टोरंटो में, शायद क्योंकि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के हैं, ट्रिनिडैड के हैं, तो आराम से बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मौलवी से तो कोई आप अगली बात कर ही नहीं सकते, वही तो तीन थे शायद, एक जी से भी बात करनी है। तो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, आईने में देखने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को प्यार करने क्यों नहीं देते, हम क्यों ये फर्स्ट कजिन्स में शादियां कर रहे हैं और मेंटली इनकेपेबल हो रहे हैं। बर्तानिया में 3% आबाद मुसलमानों की और 18% मेंटली डिसेबल्ड लोग मुसलमान हैं, ये कब समझ में आएगा हमें कि छोटी बच्चियों से शादी मत करो। अरब आते हैं हैदराबाद दक्कन से, लड़कियां खरीदते हैं $5,000-5,000 की, कैसा इस्लाम है? आपने अभी इस्लाम की फंडामेंटल्स पे बात की, इस्लाम की ओरिजिन पे थोड़ा सा टच किया, तो मैं आखिर में, बिल्कुल आखिर में, जावेद अख्तर के एक और ट्विटर का जो उनका एक सवाल है उसको यहाँ पेश करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि तारिक फ़तेह बताएं कि वो बिलीवर हैं, कुरान को मानते हैं या नहीं मानते, मुझे नहीं पता चला वो क्या है, यानी वो तो कहते हैं मैं तो बिलीवर नहीं हूँ, ये क्या आर्गूमेंट है? ये आर्गुमेंट देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो मजदूर पिटा हुआ मस्कीन भूखा नंगा बेघरा इंसान है, उसके पास सिर्फ उसका धर्म होता है उसको दिल दुखे हुए दिल को आराम देने का। ये लोगों के सामने कहना मैं अल्लाह में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह में बिलीव, इसमें कुछ, यहाँ भी आपने देखा होगा एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जिनके डॉक्टर लीडर ने कह दिया कि जहाँ कोरोना वायरस होगा मैं उसको लेके ट्रंप के जलसों में जाके फैलाऊंगा। सो इट इज नॉट ए क्वेश्चन कि एथियस्ट कौन है या क्या, कौन है जो आम गरीब इंसान के दिल को दुखाए बगैर उसके हकूक के लिए खड़ा होके लड़े, जिसमें जमहूरियत अव्वल केस है। मेरे माँ बाप मुसलमान, मेरी दादी फ्रेंच थी वो और बात है, मेरे सारे पढ़ने लिखने वाले उस्ताद मेरे मुसलमान, मेरी बीवी मुसलमान, मेरी बेटियां मुसलमान, मेरा हर दोस्त मुसलमान, एक दो क्रिश्चियन हैं, अल्लाह भला करे उनका बेचारे सताए, लेकिन मैं कैथोलिक स्कूल का पढ़ा हूं, मैंने तो पाकिस्तान के यहूदियों का केस तक अपने किया, मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं उनसे, लेकिन मुसलमान होने से पहले मैं सबसे पहले हिंदुस्तान का हिंदुत्व का मानने वाला एक शहरी हूं जिसकी सिविलाइजेशन मोहनजोदारो तक जाती। मैं दरियाए सिंध पे पैदा हुआ हूं, मैं उस जगह नहीं पैदा हुआ जब पैदा होते के साथ ही कहते हम अरब घोड़े पे आए थे, जहां हम पैदा हुए वहां लोग लड़े हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ, हम राजा दाहिर की औलाद हैं। तो ये मेरा कहना कि वो मुसलमान हैं या नहीं कुरान मानते नहीं, तो मैं उनको मुतज़ल्लाइत के पास भेज दूँ, पर अब मुश्किल पढ़ाई है, लेकिन कुछ अभी शायरी वायरी के अलावा कुछ और भी उनको पढ़ लेना चाहिए,
मुतज़ल्लाइट ने कहा कि क्या कुरान क्रिएटेड है या डिवाइन टेक्स्ट है, और डिबेट पे अनाल हक कहते हुए मंसूर हलाज की गर्दन कट गई। उसने नहीं कहा मैं बिलीव करता हूं या नहीं करता, उसने सिर्फ कहा अनाल हक, आई एम द ट्रुथ। इतना डर गए खलीफा कि काट दी उसकी। अनाल हक में कौन सी बात थी, जब देखिए कुरान ही कहता है ना, माने या ना माने, कि तुम मर भी जाओ तो सच बोलो। हमने कह दिया नहीं, तकैया जो है ना वो ज्यादा मजा आता है उसमें, लोगों को बेवकूफ बनाने में जलेबियां बना बना के करना। इस्लाम इज नॉट जलेबी, इस्लाम इज स्ट्रेट ट्रूथ कि देयर इज अ क्रिएटर एंड ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट सबमिट देयर हेड बिफोर एनीवन। और हमने कभी भी सर झुकाया, जब भी किसी ने कहा हमने कहा ले जाओ, जेल भी काटे एक दो दफा काटी है। और ये अंकल जो थे 26 साल के, इन्होंने कहा पप्पा पप्पा मैं क्या करूं, मुझे कुछ नौकरी नहीं देगा। हमारे पप्पा ने घर से निकाल दिया, हमने कहा ठीक है, सड़कों पे रहे हम। तो जावेद अख्तर साहब को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिस मुल्क से वो अपनी साइड एसोसिएट करते हैं वो हिंदुओं से नफरत खत्म करें, और पाकिस्तान में जो उनके लिए मोहब्बत है उसको धुतका रहे हैं। वो क्यों चले जाते हैं तमाम मन की आशा लेके लाहौर में, और लोग खड़े होते जायद भाई जायद भाई जायद भाई जायद भाई, एक तमाशा बनता इट्स लाइक अ कार्टून ट्रिप एंड ही एक्सेल्स ओवर देयर। बस उर्दू उर्दू उर्दू, भैया हम पे अजाब कर दिया उर्दू ने, माफ कर दो गुनाह हुआ होगा, मेरी जान तो हमारी जबान पंजाबी सिंधी पश्तो बलोची है, हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए ये उर्दू वापस खुदा के वास्ते, इसमें बहुत झूठ बोलने के तरीके हैं, हमें नहीं चाहिए, ये उधार था हम इंटरेस्ट के साथ वापस दे देंगे, हमारा पंजाबी हम वापस बोलने दें हमें। बहुत शुक्रिया तारिक फतेह जी आपकी गुफ्तगू का, और हम इस गुफ्तगू को आगे चलाते चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा किसी वक्त जावेद अख्तर साहब को लूँ और आपको भी लूँ और उनको अलग से भी ले लूँ, अगर मुझे वक्त मिला और वो मान गए तो। पंजाबी गल हो गई जी। हाँ जी, फैज नू कहने के सारे क्या सारे बुत टूट गए, बस नाम अल्लाह का रह गया, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाली चाहिए भैया। ओके सर, खुदा हाफिज। बातचीत सुन रहे थे आप तारिक फतेह जी की। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कोशिश होगी किसी मरहले पर जावेद अख्तर साहब को भी लेने की कोशिश करूं वीडियो लाइन पर, अगर मुझे मौका मिला और वो रजामंद हुए। बातचीत आपके साथ हम इन्हीं मौजूदात पर करते रहेंगे। आज का बिला तकल्लफ तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।